ज्ञानवापी के बाद अब अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर विवाद है। राजस्थान के महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। महाराणा प्रताप सेना ने सीएम अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है और सर्वे कराने की मांग की है। इस दावे के बाद दरगाह के आसपास प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर महाराणा प्रताप सेना ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेटर लिखकर पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि सर्वेक्षण से हिंदू मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र के बाद दरगाह में हलचल तेज हो गई है। वहीं दरगाह के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरगाह के जानकारों के मुताबिक इसका इतिहास 900 साल पुराना है। इतिहास में ऐसा कोई पुख्ता दावा नहीं किया गया है कि दरगाह किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये ख्वाजा साहब का दरबार है, 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर कायम है। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है।